नमस्कार, मैं हूँ रामगोपाल और मेरे साथ में हैं फतेह सिंह। हम पारी कॉलेज की ट्रिप पे आए हुए हैं यहाँ पर एक दिवसीय भ्रमण पर, और अभी हम हमारा जो सेकंड हिस्टोरिकल साइट है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। हमारे कॉलेज के एजुकेशनल टूर पे जो हमारी जो सेकंड साइट थी वहाँ हम पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी लिखा है, जोधाबाई का महल इसको कहा जाता है, जिसको हम शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी कहते हैं। यहाँ हमारे कॉलेज का ये दूसरी साइट है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हमारे जितने भी मित्रगण हैं वो सारे के सारे आगे जा चुके हैं, हम वीडियो बनाने के लिए यहाँ रुके हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम अभी यहाँ मतलब फतेहपुर सीकरी का फोर्ट और मतलब दरवाजा देखने आए हुए हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट ना। तो गाइस चलिए चलते हैं पल के ऊपर। ठीक है चलो चलिए। यस गाइस, तो हम आ चुके हैं बुलंद दरवाजा, यहाँ पर देखें आ चुके हैं हम बादशाह का दरवाजा है वो देखने के लिए। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा दरवाजा दिखा जाए पर पहले से सीन की पूरा जरा व्यू या। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ और किले में चलो। नेताजी सर नमस्ते, हम किले में की वीडियो बना रहे हैं सर। किले में वापस आए अभी, हम कहाँ पर आए हुए हैं सर कुछ बता दें। फतेहपुर सीकरी आए हुए हैं लेकिन अभी हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं, तो फिर हम किले की ओर जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चले। तो मैं हम हैं यूपी में अभी, यहाँ पर किला दरवाजा देख रहे हैं और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ टीचर्स सभी ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ में। इधर देख सकते हैं हम काफ़ी देर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें थोड़ा जल्दी चलना होगा। यस, तो हमारे साथ हैं लखन जी। लखन थैंक यू। हेलो रामगोपाल। यस मैम, अभी हम कहाँ पर आए हुए हैं कुछ बताइए मैम स्टूडेंट्स को, अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम फतेहपुर सीकरी आए हैं। यस मैम, महल है जोधाबाई का महल देखने आए हैं। जी मैम, इसमें जोधाबाई का महल दिखाया जाएगा और टाइम का पूरा ध्यान रखें, प्रॉपर टाइम का। 6 बजे बंद हो जाएगा, समझ गए? yes. अभी बज गए 5। yes, इसलिए हम जा रहे हैं देखने। थैंक यू मैम। पर यह है आर्टिफिशियल तालाब या झील कह सकते हैं। यहाँ से गर्मियों के दिनों में महल में जो पानी की सप्लाई होती थी उस पर गर्मी कम लगती थी। और इधर यहाँ महल है जोधाबाई का, तो इस महल के बहुत सारे अलग अलग भाग हैं, कहीं बाथरूम है, कहीं किचन है और कहीं पर कुछ। तो मैं आपको एक लुक दिखाना चाहूँगा इसकी। चलिए चलते हैं सर। बहुत शानदार व्यू। हमारे साथ मैम है और इधर का व्यू बहुत शानदार आ रहा है। और यहाँ पर बताया था हमारा जो गाइड था उसने कि ये जो अलग अलग यहाँ पर कुंड वगैरह बने हुआ है, और जो अकबर था वो अकबर शासक, उन्होंने उनके कई सारे यहाँ पर अलग अलग महल है जहाँ पर वो मीटिंग्स करते थे, और भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पैलेस हैं, जगह हैं, तो आपको दिखाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पूरा घूम रहे हैं और ये है चारों ओर का एक शानदार व्यू है।
पेपर लेकर आए हैं जो शैक्षिक भ्रमण है, इनके सिलेबस का पार्ट है। यस मैम। और हम बच्चों को फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल दिखवा रहे हैं। जी मैम। जी मैम। हम अलग अलग जगह घूम कर एंजॉय कर रहे हैं। जी मैम। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो गाइज ये लिखा हुआ है अनूप तालाब, अनूप तालाब, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। तो यहाँ पर एक पूरा तालाब है बहुत शानदार, और यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स इंजॉय कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, और हमारे परवीन है। तालाब की दूसरी तरफ का जो भाग है यहाँ पर, और बहुत शानदार बेहतरीन जगह है, आप जो अवश्य घूमने आए यहाँ पर, हिस्टोरिकल पॉइंट के व्यू से और हमारा जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों जगह से इंपॉर्टेंट साइट है। और लास्ट मेरे साथ है परवीन। प्रवीण, हाँ जी प्रवीण, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आज की साइट की ट्रिप आपकी कैसी रही, आज कैसा लगा? आज की ट्रिप बहुत ही शानदार रही, ये हमारे फोर्थ ईयर का लास्ट ईयर था। जी जी प्रवीण, ये ट्रिप हमारे लिए बहुत यादगार रहेगी। जी, बहुत ही शानदार ये ट्रिप रही, हम दो जगह गए थे और बहुत ही बहुत इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और सुबह से निकले, 6 बजे निकले हुए हैं, अभी 7 बज गए हैं, अभी भी हम घूम रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। थैंक यू। गाइज यहाँ पर दरगाह है, हम सर्व धर्म समभाव की भावना रखते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा देश विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर वाला राष्ट्र है, तो हमें सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यस। जी जी निखिल जी, हाँ आप बताइए जरा, अभी हम कहाँ पर है और क्या संदेश देना चाहते हैं इस धार्मिक जगह के बारे में? बुलंद दरवाजा के यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पीछे दरगाह है, हमारे जो मित्र हैं जी वो अभी दरगाह में जाने के लिए तैयार है। जी जी, हम अभी यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। जी, अब आप पीछे देखिए, काफी ज्यादा खूबसूरत है, शाम का टाइम जो है काफी मनमोहक सा हो रखा है। जी यही है। जी, हम अब उत्तर प्रदेश के बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी जो फोर्ट है वहाँ आए हुए हैं। यहाँ हमने जोधाबाई महल और अकबर का जो महल किला है वो सब हमने देखा। चलो मैं नहीं आ रहा। यहाँ पर बहुत ही शानदार ये महल का नजारा आ रहा है, और इधर जो इनकी पवित्र दरगाह है, धार्मिक स्थान है, हम इसका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सर दोस्तों, अभी हमें यहाँ बुलंद दरवाजा, मैम हमारे साथ निकिता मैम, मैम स्टूडेंट को आप लोगों ने जो 4 साल का कोर्स किया है बीएससी बीएड और बीए बीएड का, 4 साल आपने सिर्फ पढ़ाई की है और आपके कोर्स में एक ही दिन का समय मिलता है जब आपको महाविद्यालय द्वारा मैं बता के मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आयोजित किया गया महाविद्यालय द्वारा वो आपको आज का दिन कैसा लगा? पहले हम लोग गए थे यहाँ से, जयपुर से अपन रवाना हुए, पहले बना रुके थे वहाँ पर देखा, काफी अच्छे बर्ड देखे हैं मैम। घूमने के बाद फिर आपको यहाँ सीकरी का किला घूमा, उसके बाद हम बुलंद दरवाजे के आगे खड़े हुए हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, इसके बाद अभी आपका डिनर होगा, फिर अभी जयपुर रवाना। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको भ्रमण का प्लान कैसा लगा, आपको कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू मैम, बहुत बेहतरीन जगह लग रहा है हमें, और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम हमारा अपने कॉलेज का जो एजुकेशन ट्रिप कराया, और हम बहुत ही हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट पर आए हैं, हमने बहुत सारे बर्ड्स को देखा है और काफी सारे हमने लर्निंग्स को इम्प्रूव किया है, अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस उसको हमने बढ़ाया है। थैंक यू मैम। तो
तो दोस्तों ये हमारा खाना है नाइट का, डिनर इसमें रायता है और ये सब्जी मिली है हमें, इसमें एक और सब्जी है, साथ ही पूरी और ये कुछ मिठाई है। ये परवीन है हमारे साथ में और बाकी सब भी हमारे क्लासमेट्स हैं, इधर खाना खा रहे हैं इधर भी, और टीचर्स स्टाफ सब खाना खा रहे हैं और आप देख सकते हैं इधर भी सब खाना खा रहे हैं। पारी कॉलेज से रवाना हुए, उसके बाद हमने रास्ते में बच्चों को नाश्ता इत्यादि दिया गया, चाय पिलाई और 12:30 बजे हम केवलादेव घना विहार वहाँ आ गए। वहाँ हमने बहुत से कम 400 तरह के पक्षियों की जो वैरायटी थी वो हमने बच्चों को दिखाई, या एक लैग थी वो हमने दिखाया, बच्चों ने यहाँ खूब इंजॉय करा और उसके बाद हमने वहाँ नाश्ता लिया। नाश्ते में हमने बहुत बढ़िया नाश्ता था जो भरतपुर की फेमस थी, नान कताई है, आलू की सब्जी साथ कचौड़ी खाई, उसके बाद फिर हम वहाँ से हमने कुल्फी खाई और हम वहाँ से रवाना हुए। रवाना होते ही अब हम यहाँ पर फतेहपुर सीकरी आए, जो कि अकबर की ने इसको राजधानी बनाया और यहाँ जोधाबाई का महल इत्यादि हमने सब देखा, बुलंद दरवाजा देखा, वो दरगाह देखी जहाँ पर अकबर की जो अकबर का जन्म के लिए दुआ मांगी थी जोधाबाई ने, मान सिंह जी ने, वो हमने यहाँ करा, वो सब बहुत हमें बच्चों ने इंजॉय करा। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, आप उनसे रूबरू मिले। हितेजी सर और हितेजी सर से मैं आग्रह करूँगा कि सर आज का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे शॉर्ट में, सर बताएंगे अभी हमारा डिनर चल रहा है रात का। जी हितेजी सर, सर बोलिए। एक्चुअली क्या ये ट्रिप जो है इंटीग्रेटेड शैक्षिक भ्रमण है जिसके अंतर्गत बालकों को टूर करवाया गया है, इसमें सबसे पहले हम बालकों को गन्ना पक्षी विहार लेके गए हैं और इसके बाद सीकरी में हम बालकों को लेकर आए। कुछ असुविधाएं हो जाती हैं लेकिन असुविधाएं होते हुए भी हमने हमारे बालकों ने हमारा पूरा सहयोग किया है और पूरे ट्रिप को शानदार बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। अब हम शाम पवित्र शाम भोजनालय पर आए हैं, छात्रों को भोजन करवा के डिनर में क्या क्या मेनू है सर आपने देखा? डिनर में मिठाई है, पूरी है, सब्जी है और पेट भर के खाइए और मजे लीजिए खूब। मेरे साथ भी कुछ इंटीग्रेटेड अपना आज का दिन आपको कैसा रहा, एक्सपीरियंस बताइए। आज का दिन काफी अच्छा रहा, कैसा लगा? सबसे पहले तो हम केवला देव उद्यान देख रहे थे, काफी उनके बारे में जान लिया, जानकारी उसके बाद फिर अभी हम आगरा हैं बुलंद दरवाजा देखने के लिए। बुलंद दरवाजे में काफी अच्छी व्यवस्था है, दरगाह गए काफी अच्छी व्यवस्था की, जिनकी अच्छी व्यवस्था की किसी शहर में।